तो भाई लोग कैसे हो आप? तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक वॉच करना बिना स्किप करे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको, तो स्किप करोगे नहीं। वैसे बेस्ट फ्रेंड हो ना तो तेरे जैसा। ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है, 1000 रुपए देता हूँ भैया। नहीं, अब हमको बताइए इस वीडियो में क्या लॉजिक है? 1000 रुपए दे रहे हैं और अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ दे, ये तो कतई अच्छा लॉजिक है यार। कुछ भी। तो इस वीडियो में आपको भी मोटिवेट किया जा रहा है, मोटिवेट दोस्ती के नाम पर मोटिवेट। अच्छा, इसे धोखा दे के दोस्ती तोड़ दे। सॉरी। और अंकल आंटी कैसे? सब बढ़िया, तुझे बहुत याद करते हैं। 10000 देता हूँ भाई। ये क्या है, 1 से सीधा 10, 1500, 2000, 5000 ऐसा भी कुछ बोल सकते थे, डायरेक्ट 10000। ये क्या भाई, कुछ अच्छा करो। ऐसा मत करो मेरी जान, धोखा दे के दोस्ती तोड़ दे प्लीज। सॉरी प्रिया, तो घर चलना, मम्मी ने तेरा फेवरेट डोसा बनाया है। अभी नहीं, फिर कभी। अरे 50000 रुपए। तो देख लो भाई, ऐसी होती है सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती अगर 10, 20, 25 मतलब बढ़ाते ही जा रहे हो, और ये नहीं नहीं। अबे उसको रखा क्यों वहां पे? अगर तेरे को नहीं लेने तो उसे भगाना। क्या कर रहा है तू, भगा नहीं। सॉरी। चल फिर मिलते हैं अपन। हाँ हाँ, याद से मिलेंगे, ठीक है? हाँ, लास्ट ऑफर 1 लाख रुपए, उसे धोखा दे के हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। सनी। हाँ। एक बात सुनते जा। हाँ बोल। यार ये पैसा तो इतना ज्यादा है कि लाइफ बदल देगा, लेकिन ऐसा पैसे का भी क्या करेंगे जब साले दोस्ती साथ। बस भाई, अगर सामने वाला इंसान अगर ज्यादा ही सख्त होता, आखिरकार ना ऑफर में नहीं भी बोल सकता था, आखिरकार चेक फाड़ दिया या फिर मतलब नकली कागज फाड़ दिया। अगर इसके जगह पर कोई और होता तो 2-3 रुपए ऐसे रख के देता ना भाई, ये सोच में पड़ जाता। बात तो सही है। वेट, मैं आपको बहुत ही अच्छा फील करा। हाँ वैसे तो वीडियो भी दूसरे की है, स्क्रिप्ट इनकी है, आखिरकार ये स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट भी ऐसे करते। खैर छोड़ो, आखिरकार क्या अच्छा फील कराने वाले, मोटिवेशन के नाम पर कचरा तो बांटते रहते हो। खैर छोड़ो, कुछ अच्छा दे ही दो। आने वाला हूँ, सिर्फ अपनी एक आंख को बंद करिए और अपने फोन को पास लाइए या फोन के पास। तो वो भी कर लेते हैं ज्ञानी बाबा, जल्दी जल्दी बताओ क्या करने वाले हो आखिरकार हमारे साथ, कुछ अच्छा फील कराने वाले या फिर? अरे कहना क्या चाहते हो बताइए, और ये आपकी जिंदगी की, आपकी लाइफ की सबसे प्यारी चीज होगी, तो रेडी है आप? अरे बस यार, जब फेंकने लगे तो इतना भी मत फेंका करो, आखिरकार हमारी जिंदगी की मतलब बहुत ही अच्छी चीज होगी अपनी लाइफ की। आखिरकार जिसने इसकी वीडियो नहीं देखी उसकी लाइफ तो खैर छोड़ो गई, अब हमें ही अच्छी चीज देख ले तो आप भी देख लो क्या है। 3, 2, 1 ये तो टट्टी है। सच में ऐसा हो सकता है क्या? काश अगर ये सच में मोटिवेट करने के लिए अगर लोगों के लिए वीडियो बनाता तो कितना अच्छा होता। अगर ये तो बना रहा है, क्रिंज फैला रखा है, और यहाँ पर मतलब सच में ऐसा होगा क्या? अगर तेरे पास इतना ही मोटी बुद्धि होती तो तू ये करता नहीं। बात तो सही है। चलो ट्राई करके देखते हैं, फिर तो बिजली बच जाएगी यार बहुत ज्यादा। यहाँ पर उसे करके नहीं दिखना है, यहाँ पर तो उसने मतलब अभी सोच लिया है कि अगर होता है तो मतलब बिजली बच जाएगी, 1 किलो आलू लाओ और हफ्ता भर चलाओ, यहाँ पर मोबाइल भी चार्ज होगा, टीवी भी देखना होगा, फ्रिज में भी ठंडा हो जाएगा, ये होता है दिमाग। मुझे तो ये देख के लग रहा है कि इसे खुद मोटिवेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ भी नहीं हो रहा चार्ज। तो ये भी तो आप ही की तरह लिख ले, यहाँ पर लोग आपकी वीडियो देखकर मोटिवेट तो हो जाते हैं पर रियल लाइफ में अगर उसे यूज करने लगे तो ऐसे बंद गिर जाते, क्योंकि आपके थॉट जो जहाँ से आते हैं ना तो दिमाग से नहीं आते, क्या पता कहाँ से आते हैं, आखिरकार कहाँ से लाते। चुप। ये सच में इंटरनेट पे पागल बनाती है जनता, बहुत व्यूज के लिए लाइक्स के लिए कुछ भी करती है। बात तो सही कही, लोग इंटरनेट पर मतलब चूतिया बनाए लाइक और व्यूज के लिए, आप भी तो वही कर रहे हो, आपसे खुद से तो खुद को मोटिवेट किया नहीं जा रहा और आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, यही होती है इंटरनेट का सही, और सही काम तो आपने भी कर दिया लोगों को चूतिया काट कर। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। अरे यार चलो, हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत है, हमारा तो दिल्ली में वैसे बिजली का बिल कम आता है। वैसे भी खैर छोड़ो, दिल्ली में तो बिजली का बिल कम ही आता है, आखिरकार इसकी वीडियो देख के भी लोग ऑडियंस ये सोचती होगी खैर छोड़ो, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जहाँ पर खुद मोटिवेट नहीं होते हमें क्या मोटिवेट कर पाएंगे, वैसे भी अब मोटिवेट हो गए, ऐसे ही बोलते हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगा।
यार अभी हम दोनों साथ में दिल्ली में और तुम मुंबई जा रही हो, अब ये रिलेशनशिप कैसे चलेगा? तो अभी ये भी हम बता दें कैसे चलेगा, दूर रहो या पास रहो जैसे ही चलेगा। अगर आपको ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ऐसे झुको वैसे करो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा होगा। चुप रहोगी ना मेरे साथ हमेशा? फिर अगर ऐसे ही चलता रहा ना दूर दूर दूर, तो चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के, फिर रहते ही लाना, मुझे नहीं फर्क पड़ता। धोखा तो नहीं मिलेगा मुझे, मेरी जगह तुम किसी और को तो नहीं दोगी? जो मेरा वक्त है तुम मुझे ही दोगी ना, किसी और को? बस यार आप क्या रुलाई देगा। खैर छोड़ो, मिलते हैं किसी और वीडियो में बाद में एक और बार, और आज की वीडियो यही पर एंड कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी छोटी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बाय।